तो बहुत अच्छी है और रणदीप हुड्डा तो है ही बड़े अच्छे कलाकार. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस सो फार जो मैंने अब तक उनकी फिल्मों में देखा है. इट इज़ ऑसम ब्रिलियंट. आई थिंक सबसे ज़्यादा तो रणदीप का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है और एक अलग सी स्टोरी है उनके बारे में. अब तक तो फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है. ऑब्वियसली इज़ ओनली हाफ वे पॉइंट. अक्षय इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसने काफ़ी कुछ बताया मुझे इसके बारे में पहले, जो इलीगल ब्लड ट्रेड चलता है. इट्स एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट इट, लेकिन ये देखकर आई एम क्वाइट शॉक्ड आई हैव टू से कि क्या क्या चल रहा है. ऑब्वियसली आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ रणदीप. मुझे उनका काम बड़ा ही अच्छा लगा है इन द पास्ट और इस फिल्म में ही इज़ डन अ रियली रियली फैंटास्टिक जॉब. I'm very keen to see कि सेकंड हाफ में होता क्या है. इट्स ऑलरेडी सेट अप टू अ वेरी वेरी ड्रामेटिक प्ले. ऑनेस्टली मैं ऐसे कभी सोचा नहीं है कि मुझे इस टाइप की फिल्म करनी है या उस टाइप की फिल्म करनी है. जो कहानी मुझे एक्साइट करती है, मुझे लगता है कि एंटरटेनिंग है, मैं वो करता हूँ. आई डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ जॉनर के मुझे ये करना है वो करना है. आई थिंक दैट्स अ वेरी लिमिटेड वे ऑफ थिंकिंग. देखिए अभी इंटरमिशन हुआ है फिल्म का, तो टू थिंग्स विच आई रियली इम्प्रेस्ड मी आर रणदीप एंड अक्षय. आई थिंक दे आर वेरी गुड एंड ऑल्सो इसी जो परफॉर्मेंसेज आर सुपर देन यू आर एंगेज्ड. आपको देखना है कि एक्टर्स और आगे क्या कमाल कर रहे हैं. अच्छा सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ब्लड ट्रैफिकिंग के ऊपर है. पहली बार आई थिंक ऐसा कोई सब्जेक्ट बन रहा है, सो इंटरेस्टिंग है. बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है जब आप अलग अलग सब्जेक्ट्स की स्टोरीज आगे देखें. देखिए आज की इस साल की जितनी हिट फिल्में रही हैं उनके सारे कॉन्सेप्ट अलग हैं. सो ऑब्वियसली कॉन्टेंट हैज़ ऑलवेज बिन द किंग. और ऐसा नहीं है कि अब कॉन्टेंट चल रहा है, सालों से कॉन्टेंट चला आ रहा है. और अगर आपको फिल्म देखनी है तो ऑब्वियसली कंटेंट के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए, उसकी डायरेक्शन के लिए, वो किस क्या अगर कोई मैसेज दे रही है तो क्या कह रही है फिल्म, आपसे आप कितना फिल्म से ले पाते हैं. हर फिल्म हो या टीवी सीरियल हो या जो भी पीस ऑफ फिक्शन हो, उससे एक ऑडियंस को कितना मिल रहा है ये देखा जाता है. और आजकल इतना कुछ दे रही हैं फिल्में. अभी जंगल बुक रिलीज़ हुई, वो इतनी अच्छी बेहतरीन फिल्म थी, मुझे तो बहुत पसंद आई. सो आजकल फिल्में बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट्स और लोग पसंद कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सिर्फ वो एक रोमांटिक, वो उसका भी एक अपना ही चार्म है, यू नो, रोमांस का, रोमांटिक कॉमेडीज़ का, और इसका भी अपना चार्म है. अच्छा है, सब तरह की ऑडियंस को टारगेट किया जाए.